नमस्ते दोस्तों, आज है 17 फरवरी और स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। प्रश्न एक, भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? ऑप्शन ए नमन ओझा, श्रद्धिमान साह, ऋषभ पंत, KL राहुल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नमन ओझा। हम आपको बता दें, भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज नमन ओझा ने 15 फरवरी 2021 को अपने संन्यास की घोषणा कर दी। नमन ओझा के नाम घरेलू क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी के दौरान विकेट के पीछे सबसे ज्यादा शिकार करने का रिकॉर्ड दर्ज है। इस विकेट कीपर बल्लेबाज ने साल 2010 में श्रीलंका के खिलाफ अपनी वनडे डेब्यू किया था। उन्होंने टीम इंडिया के लिए एक टेस्ट, एक वनडे और 2 T20 मुकाबले खेले और वे IPL में दिल्ली डेयरडेवल्स, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ खेले थे। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नमन ओझा। अगला प्रश्न, राज का प्रश्न दो, IPL टीम किंग्स 11 पंजाब के की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदलकर क्या कर दिया? पंजाब 11, पंजाब हीरो, पंजाब पावर, पंजाब किंग्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पंजाब किंग्स। हम आपको बता दें, किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदल लिया है और वे इंडियन प्रीमियर लीग के अगले स्तर में ये पंजाब किंग्स टीम कहलाएगी। किंग्स 11 पंजाब IPL की उन 8 टीमों में से है जिसने UAE में पिछले सत्र खेला था। इस महीने में होने वाली IPL की नीलामी से पहले ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल को टीम ने रिलीज करने का फैसला लिया। वर्तमान में टीम के कप्तान लोकेश राहुल हैं। इनसे पहले टीम के कप्तान के तौर पर भारतीय क्रिकेट टीम के युवराज सिंह तथा वीरेंद्र सहवाग भी रह चुके थे तथा ऑस्ट्रेलिया के जॉर्ज बेली भी कप्तानी कर चुके हैं। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पंजाब किंग्स। अगला प्रश्न, प्रश्न तीन, निम्न में से कौन सा टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर 362 के बाद ग्रैंड स्लैम में 300 जीत दर्ज करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? रोहन बोपन्ना, नोवाक जोकोविच, एंडी मैरे, सोमदेव देववर्मन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच। हम आपको बता दें, नोवाक जोकोविच 8 बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन नोवाक जोकोविच ग्रैंड स्लैम में 300 जीत दर्ज करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। दुनिया के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी जोकोविच ने कनाडा के मिलोस राउनिक के 7-6, 4-6, 6-1, 6-4 से हराकर यह उपलब्धि हासिल की। दिग्गज रोजर फेडरर 362 के नाम सर्वाधिक जीत रिकॉर्ड है और नोवाक जोकोविच सर्बिया का एक प्रमुख टेनिस खिलाड़ी। हम बता दें, रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के प्रमुख खिलाड़ी हैं और स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, लेकिन बर्न कैपिटल उसके डिफैक्टो मीन्स एग्जिस्टिंग है लेकिन लीगली एग्जिस्ट नहीं है। अगला प्रश्न और आज का प्रश्न चार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को किस राज्य के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया? ऑप्शन ए बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया। महाराजा सुहेलदेव 11वीं सदी में सरस्वती के सम्राट थे। सुहेलदेव ने महमूद गजनवी के भांजे सालार मसूद को मारा था। राजभर और पासी जाति के लोग उन्हें अपना वंशज मानते हैं, जिनका पूर्वांचल में कई जिलों में खासा प्रभाव है। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लकड़ी के खिलौने स्थानीय कलाकृति हस्तलिप को बढ़ावा देने हेतु फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। हम आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने लकड़ी के खिलौने स्थानीय कलाकृति हस्तलिप को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों और MSME को महाराष्ट्र के लाखों ग्राहकों को भारत में अपने उत्पादों को प्रदर्शन करने में सक्षम करेगा। फ्लिपकार्ट इन सभी निर्माताओं को पैकेजिंग और ब्रांडिंग के लिए मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करेगा। साथ ही कंपनी द्वारा प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी की जाएगी। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।